नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर सोलन भाजपा ने जश्न मनाया है। तीनों राज्यों में मोदी का जादू चलने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जीत से फूले नहीं समा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोलन मुख्यालय के पुराने बस अड्डे पर एकत्र होकर पटाखे फोड़े और मिठाई बांटने के उपरांत शहर में रैली निकालकर अपनी खुशी जताई। रैली में पुरुष कार्यकर्ताओं ने जहां बीजेपी पार्टी बल्ले बल्ले बाकी सब थल्ले थल्ले के नारे लगाए। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि तीन राज्यों में भाजपा की जीत से पूरे देश सहित हिमाचल प्रदेश में भी खुशी का माहौल है और सोलन में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया है। उन्होंने कहा कि 2019 में पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी, इसका प्रमाण विधानसभा चुनावों से मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उत्साह और उल्लास का दिन है, क्योंकि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के चुनाव परिणाम सामने आए हैं, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं थे और अच्छी बात यह है कि इसके परिणाम भी सामान्य नहीं निकले। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में शून्य पर थी, उसके लगभग सभी, एक कार्यकर्ता को छोड़ के सभी की जमानतें जब्त हुई थी। वहाँ पर 3/4 मेजोरिटी से सत्ता में आना, ये बहुत बड़ा एक संदेश है पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए। मैं तो यूँ कहना चाहता हूँ, आज मोदी जी की नीतियों ने, मोदी जी की कमिटमेंट ने और मोदी जी का एक दूरदर्शिता वाला दृष्टिकोण है, उसने भारत देश को ही नहीं, भारत देश के हर एक नागरिक को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, या मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे यूरोप को उन्होंने जीता है। वहीं महिला मोर्चा की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर जमकर डांस किया और अपनी खुशी का इजहार किया। सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।